हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव ए रियलिटी चेक। अब काउंटर ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है? जब आपके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, मतलब आपके ऊपर कोई प्रहार कर रहा है, तो उसके बदले में काउंटर करना, मतलब उसको जवाब देना आक्रामकता से, मतलब एकदम बिल्कुल इंटेंस होकर उसको जवाब देना, उसको बोलते हैं काउंटर ऑफेंसिव होना। तो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव होना, मतलब अभी तक जो यूक्रेन थी ना, वो रशिया उसके ऊपर अटैक कर रहा था और वो डिफेंस कर रही थी, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी यूक्रेन ने क्या किया है, वो काउंटर ऑफेंसिव हो गई है, मतलब वो खुद से भी जो है वो अटैक कर रही है रशिया के ऊपर। और उसका एक रियलिटी चेक, मतलब हम पढ़ेंगे कि कैसे रशिया जो है वो काउंटर ऑफेंसिव हो रही, सॉरी यूक्रेन जो है वो काउंटर ऑफेंसिव हो रही है। और ये एक रियलिटी चेक है, मतलब रियलिटी चेक मतलब जो ग्राउंड में क्या सिचुएशन चल रही है, रियल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो पूरा इस आर्टिकल के अंदर में मैं आपको समझाऊंगा, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको खुद से पढ़ना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पे आपको PDF और डेली वीडियो लिंक मिल जाएगा। डेली जो मेरा वीडियो है वो रात को अपलोड होता है, तो जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर मंथ ऑफ स्पेकुलेशन एज टू वैन एंड वियर द यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट रशिया वुड वीकेन, यूक्रेनियन प्रेजिडेंट जेलेंस्की फाइनली स्टेटेड ऑन June 10 दैट द ऑफेंसिव हैड बिगन। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, मतलब अटैकिंग होना, आक्रमक होना। तो मतलब काफ़ी महीनों से स्पेकुलेशन चल रही थी, मतलब स्पेकुलेशन का मतलब होता है बातें चल रही थी कि कब जो है वो यूक्रेनियन जो है वो काउंटर ऑफेंसिव होगी, मतलब कब वो अटैक करना स्टार्ट करेगी रशिया के ऊपर और कब ये स्टार्ट होगा। अभी यूक्रेनियन जो प्रेजिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने फाइनली June 10 को बोला कि जो ऑफेंसिव हमारा जो आक्रमक है, जो मतलब हम लोग जो अटैक है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। इट मस्ट बी अस्यूम दैट द लैक ऑफ फैनफेयर अटेंडिंग दिस इवेंट वॉज बिकॉज ऑफ द असॉल्ट अनटिल देन हैड नॉट प्रूव्ड एज सक्सेसफुल एज एंटिसिपेटेड। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो लैक ऑफ फैनफेयर थी, मतलब इतना ज़्यादा कोई उत्साह नहीं था, इतने ज़्यादा लोग प्रेजेंट नहीं थे जिस इवेंट में जेलेंस्की ने ये बोला कि हमने अटैक करना शुरू कर दिया है, जो यूक्रेनियन प्रेजिडेंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तक जो असाल्ट हो रहा है, असाल्ट का मतलब होता है जो हमला कर रहा है यूक्रेन, अनटिल डेन मतलब तब तक जब तक ये अनाउंसमेंट हुई June 10 को, वो तब तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट प्रूव्ड एज सक्सेसफुल एज एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज़्यादा वो एंटिसिपेटेड मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसीलिए वहाँ पे कम लोगों की अटेंडेंस थी। वाइल यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवियन इज नो डाउट करेक्ट दैट दिस इज़ ए स्टोरी दैट कंटिन्यूज टू बी रिटन डे बाय डे। तो अमेरिका के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं सुलिवियन, उन्होंने क्या बोला था कि ये एक स्टोरी की तरह है, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है एक स्टोरी की तरह है जो डे बाय डे हम लोग जो है वो लिखेंगे। यूक्रेनियन लॉसेस आर प्री अज्यूम्ड हैवी इन मैन एंड मटीरियल एज की प्रूव फॉर वीकनेस इन द रशियन डिफेंस लाइन स्ट्रेचिंग 1000 किलोमीटर इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेनियन का जो लॉस है, मतलब जो उन्होंने आदमियों को खोया है, मैन को खोया है और जो मटेरियल को खोया है, और कीव ने प्रूव्ड किया, प्रूफ का मतलब क्या होता है, छानबीन करना, किसके लिए, वीकनेस के लिए, रशिया की वीकनेस क्या है डिफेंस लाइंस के ऊपर जो कि 1000 किलोमीटर ईस्ट में है और साउथ ऑफ ईस्ट ऑफ यूक्रेन में है। बोथ साइड्स एक्नॉलेज दैट फाइटिंग वॉज इंटेंस स्पेशली एज यूक्रेन इनिशियल एफर्ट्स वर टू ड्राइव थ्रू रशियन पोजिशंस टू द सी ऑफ एजोव एंड डिप्राइव रशिया ऑफ इट्स लैंड एक्सेस टू क्रीमिया। तो दोनों साइडों ने ये एक्नॉलेज किया, मतलब ये समझा कि जो फाइटिंग चल रही है वो काफ़ी इंटेंस है, ठीक है, काफ़ी मतलब ख़तरनाक है। स्पेशली जो यूक्रेन के इनिशियल एफर्ट्स थे, जो उनके स्टार्टिंग के एफर्ट थे, वो क्या थे कि वो रशियन पोजीशंस को जो है उनकी पोजीशंस तक पहुंच जाए, ठीक है, और डिप्राइव कर दे, मतलब दूर कर दे रशिया को जो उनका लैंड एक्सेस है क्रीमिया तक। इट कैन बी अज्यूम दैट दिस स्ट्रेटजी हैड बीन एंटिसिपेटेड बाय द रशियन स्ट्रेटजी। तो ये हम लोग मान सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये पहले से ही एक्सपेक्टेड थी, रशिया इसको पहले से ही समझ गई थी, पहले से ही उसने एंटिसिपेट कर लिया था, एक्सपेक्ट कर लिया था। हाउ यूक्रेन एंड रशिया स्टैक अप, स्टैक अप का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ जो है ना वो फाइटिंग करना या जो भी होना।
उसको बोलते हैं स्टैक अप। यूक्रेन हैज़ असेंबल्ड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइड वेपनरी एंड ग्रेट नंबर ऑफ ट्रूप्स फॉर द ऑफेंसिव एंड मच ऑफ दिस आर ऑलरेडी कमिटेड इन द बैटल। यूक्रेन जो है ना उसने बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में जो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसने उनको वेपन सप्लाई किए हैं और उनको बहुत उन्होंने इकट्ठा किया है और ट्रूप्स मतलब जो सिपाही हैं उनको भी इकट्ठा किया है ऑफेंसिव के लिए अटैक करने के लिए ओ एंड मच ऑफ दिस आर ऑलरेडी कमिटेड इन बैटल। और बहुत सारे इसमें जो पहले ही जो है वो कमिटेड हैं बैटल में लड़ाई में जोरों शोरों से जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। लॉसिस ऑन बोथ साइड्स आर कन्फर्म्ड इन बोथ कैपिटल्स। दोनों कैपिटल्स में चाहे वो यूक्रेन की कैपिटल हो चाहे वो रशिया की कैपिटल हो दोनों कैपिटल्स में जो लॉसिस हुए हैं जो नुकसान हुए हैं वो कन्फर्म हुए हैं। आफ्टर सिक्स वीक्स ऑफ फाइटिंग इट अपीयर्स दैट दी ब्रावाडो इन दी वेस्टर्न मीडिया अबाउट दी काउंटर ऑफेंसिव हैज़ डिमिनिश्ड टू ए पॉइंट वेयर इट इज़ रियली डिस्कस्ड। तो लगभग 6 हफ्तों की फाइटिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि जो वेस्टर्न मीडिया है ना जो वेस्ट का जो मीडिया है उसका जो ब्रावाडो इन दी वेस्टर्न मीडिया अबाउट दी काउंटर ऑफेंसिव मतलब जो बातचीत चल रही थी वेस्टर्न मीडिया में कि कब जो है वो काउंटर ऑफेंसिव होगा रशिया वो काफ़ी डिमिनिश्ड हो गया है मतलब कम हो गया है और उस पॉइंट तक पहुंच गया है जहां पे वो उसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है जो मतलब यूक्रेन का काउंटर डिफेंसिव होना पलट के अटैक करना तो ये पॉइंट अब बहुत कम डिस्कस किया जाता है वेस्टर्न मीडिया में। कीव इवेंडेंटली डज नॉट हैव द एयर सुप्रीमेसी अगेंस्ट रशिया डिफेंसिस दैट कैन बी फैसिलिटेट एडवांसिस ऑन द ग्राउंड एंड द रिवॉल्ट अगेंस्ट रशिया मिलिट्री कमांडर्स बाय द पैरामिलिट्री मशीनरी वैगनर ग्रुप अंडर द रिनेट। ठीक है तो कीव एविडेंटली डज नॉट हैव द एयर सुप्रीमेसी अगेंस्ट रशिया। तो यूक्रेन के पास इतनी एयर सुप्रीमेसी नहीं है मतलब जो एयरफोर्स वगैरह की इतनी ज़्यादा पावर नहीं है अगर रशिया डिफेंसिस के अगेंस्ट हम लोग देखें जो कि फैसिलिटेट कर सके उनको मतलब उनको हेल्प कर सके। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना किसी चीज़ को ऑन द ग्राउंड उनकी हेल्प कर सके एंड द रिवॉल्ट अगेंस्ट रशियन मिलिट्री कमांडर और उनका जो युद्ध चल रहा है रशियन मिलिट्री कमांडर्स के साथ पैरामिलिट्री मशीनरी के साथ उसको वो अच्छे से लड़ सके। विच वॉज ह्यूज एम्बेरसमेंट फॉर द क्रेमलिन has not delivered the advantage anticipated by the Ukraine on the front lines। तो ये काफ़ी embarrassment भी है उनके लिए क्योंकि जो advantage है Ukraine उसको जो है ना वो deliver नहीं कर पाई है उसका फ़ायदा नहीं ले पाई है। The second major Ukrainian thrust seems to be in Bakhmut region to negate the Russian gains of earlier month। तो जो second major Ukrainian thrust है thrust का मतलब होता है वो जो चाहते हैं जो उनकी प्यास है वो ये है कि जो Bakhmut region है ना वहाँ से रशिया को जो है वो जल्दी से जल्दी हटाया जाए। ठीक है उसको नेगेट किया जाए नेगेट का मतलब होता है हटाना या फिर इग्नोर करना। दिस एंटरप्राइज सीम्स टू बी मीटिंग सम एक्सेस तो इट इज़ स्लो एंड लोकलाइज्ड। तो ये जो एंटरप्राइज है ना ये मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी उसको सक्सेस मिल रही है ये जो उनकी सोच है इसमें उसको थोड़ी सी सक्सेस मिल रही है हालांकि ये स्लो है और लोकलाइज्ड है। द यूक्रेनियन रिकैप्चर लॉस्ट ईयर ऑफ खार्किव एंड खर्सन अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंट टेरिटरी माइट बी हार्डर टू रेप्लीकेट नाउ। तो जो यूक्रेनियन ने रीकैप्चर किया था मतलब रशिया ने कुछ एरिया कैप्चर किया था यूक्रेन का उसके बाद रशिया यूक्रेन ने उसको दोबारा से रीकैप्चर कर लिया और वो खरकीव था खेरसन था और भी कुछ टेरिटरी उसने कैप्चर की और अभी उसको रेप्लिकेट करना मतलब इन चीज़ों को दोबारा दोहराना बहुत मुश्किल होगा सिंस इन दो सेक्टर द रशियंस क्लोज टू विदड्रा इन द फेस ऑफ यूक्रेनियन अटैक्स। क्योंकि उन जगहों पे रशिया जो है वो विदड्रा करने वाली है विदड्रा का मतलब होता है हथियार डालने वाली है जो यूक्रेनियन अटैक्स कर रहे हैं बट दे आर नाउ डग इन विद हैवली माइंड फॉरवर्ड पोजिशंस एंड होल्डिंग देयर ग्राउंड। लेकिन फिर अभी भी वो जो है ना मतलब फॉरवर्ड पोजीशंस में मूव कर रही हैं और ग्राउंड को उन्होंने पकड़ा हुआ है मतलब ग्राउंड्स के साथ जुड़ी हुई हैं। द रशियन आर्मी इज स्ट्रॉन्गर इन नंबर दैन प्रीवियसली तो रशिया की जो आर्मी है वो नंबर्स में भी ज़्यादा है ज़्यादा लोग हैं उसमें अगर प्रीवियसली अगर हम लोग बात किए हैज़ प्रिपेयर डिफेंस इन डेप्थ और उनका डिफेंस जो है वो काफ़ी प्रिपेयर्ड है स्ट्रेंथन इट सप्लाई रूट्स एंड सीम्स बेटर प्रिपेयर टू डील विद द काउंटर अटैक्स और वो अच्छे से प्रिपेयर है कि कैसे उसको जो है वो काउंटर अटैक के लिए डील करना है। रशियन इक्विपमेंट डिराइडेड बाई दी बेस्ट डिराइडेड का मतलब होता है जिसको रेडिकुलस मानना बकवास मानना। ठीक है तो वो भी जो है वो काफ़ी यूज़ में आ रहे हैं रशियन के लिए जिनको बेस्ट जो है वो अच्छा नहीं मानता है हैज़ बीन पुट टू अफेक्टिव यूज़ वो भी बहुत अच्छे काम में आ रहे हैं। द रशियन सीम टू हैव अडॉप्टेड टू द चेंज नेचर ऑफ द वॉर एंड द पॉपुलेशन सीम्स रेडी फॉर द प्रोट्रैक्टेड एंगेजमेंट इन नाटो तो रशिया जो है ना उसने अपने को अडेप्ट कर लिया है मतलब वो उस माहौल में डल गया है
जो नेचर चेंज हुआ है वॉर का, युद्ध का, और जो उसकी पॉपुलेशन है ना वो रेडी लग रही है फॉर ए प्रोट्रैक्टेड एंगेजमेंट सिंस नाटो। प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, मतलब जो लंबी एंगेजमेंट बातचीत के लिए भी तैयार है नाटो के साथ, विद इट्स बैकिंग ऑफ यूक्रेन फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, और वो बैक भी कर रही है यूक्रेन को कि कितना वो समय ले सकती है, अपीयर्स टू एनविजेज ए टोटल रशियन डिफीट एंड इवैक्यूएशन ऑफ ऑल यूक्रेनियन टेरिटरी। और इसे देख के ऐसा लग रहा है ना, इसे हम देखें हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, एनविजेज का मतलब होता है इमेजिन करना, टोटल रशिया की डिफीट हम लोग जो है वो देख सकते हैं और इवैक्यूएशन देख सकते हैं जो यूक्रेनियन टेरिटरी है। द रशियंस हैव सर्टनली सफर्ड लॉसिस ऑफ मैन पावर, रशिया बहुत सारी अपनी मैन पावर खो चुका है, एंड इलेक्शंस विच वर ड्यू टू दी हेल्ड इन रशियन ऑक्यूपाइड यूक्रेन हैव बीन पोस्टपोन नेक्स्ट ईयर, और जो इलेक्शंस होने थे जहाँ पे रशिया ने ऑक्यूपाई किया है यूक्रेन को वो भी पोस्टपोन हो गए हैं। बट यूक्रेन ऑल्सो डज नॉट हैव अनलिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट्स लॉसिस विल बी हार्ड टू रिप्लेस, यूक्रेन के पास भी उसके जो अनलिमिटेड ह्यूमन लॉसिस हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा है और उनको रिप्लेस करना भी बहुत मुश्किल होगा। द ह्यूज लीक ऑफ पेंटागन फाइल्स लास्ट ईयर रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन, ब्रिटिश एंड अदर नाटो फाइटर्स इन यूक्रेन, बट द नंबर्स आर स्टिल स्मॉल। तो जो लीक हुआ था पेंटागन, कुछ फाइल्स लीक हुई थी पिछले साल, तो जो पेंटागन फाइल्स लीक हुई थी लास्ट ईयर, उन्होंने रिवील किया था कि बहुत सारे अमेरिकन, ब्रिटिश और अदर बहुत सारे नाटो फाइटर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं यूक्रेन में, और ये नंबर जो है ना वो काफ़ी स्मॉल है। वाइल प्रेजिडेंट ज़ेलेंस्की कंटिन्यूज इनसेटिएबली टू अपील फॉर वेपन्स फ्रॉम एनी वन हु केयर्स टू लिसन, लेकिन जो वहाँ के प्रेजिडेंट हैं यूक्रेन, वो अभी भी बाहर की कंट्री से हेल्प मांग रहे हैं कि हमें वेपन्स दो। Doubt arises as to whether the additional resources that NATO is able to pre-build will prove decisive. Decisive का मतलब होता है helpful. तो मतलब doubt इस बात का है कि जो weapons NATO provide कर रही है क्या वो helpful होंगे किसके लिए, Ukraine के लिए। It truce seems distant. Truce का मतलब क्या होता है, विराम, युद्ध विराम। तो युद्ध विराम जो है ना वो हमें काफ़ी दूर लग रहा है। Prospects for a negotiated end in the war are receding until after the American president election next year, since United States President Joe Biden, like almost European leaders, has invested massive political capital in Russian defeat. तो prospect का मतलब होता है उम्मीद, तो उम्मीद negotiation की मतलब सुलह करने की, एंड टू दी वॉर आर रिसेडिंग, वो काफ़ी हमें पीछे लग रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नेगोशिएशंस होगा, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो नेक्स्ट ईयर की इलेक्शन है उसके बाद कुछ हो सकता है, क्योंकि जो बाइडन है ना उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है रशियन डिफीट में, रशियन को हराने के लिए, बट देयर इज़ ए ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ एस्केलेशन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो और ख़राब हो सकती है। एस्केलेट का मतलब होता है और ज़्यादा ख़राब होना। Because the Kyiv counter offensive is stalling, Ukraine's forces are running short of ammunition and NATO cannot provide it in the quantity needed. तो जैसे जैसे यूक्रेन के जो हथियार हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, एमुनिशन ख़त्म हो रहे हैं, और नाटो जो है ना वो कंटिन्यूसली उनको इतने हथियार प्रोवाइड नहीं कर सकती है। वॉशिंगटन हैज़ अनाउंस्ड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स एंड द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल दैट इट विल सप्लाई यूक्रेन विद कंट्रोवर्शियल क्लस्टर म्यूनिशंस विच आर टिनी बॉम्बलेट्स फ्रॉम ए रॉकेट मिसाइल और आर्टिलरी शेल दैट स्कैटर्स देम इन मिड फ्लाइट। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया था, बोला था कि हम लोग यूक्रेन को जो है ना वो कंट्रोवर्शियल म्यूनिशंस देंगे, हथियार देंगे, बॉम्बलेट्स देंगे, मिसाइल्स देंगे, जो कि मिड फ्लाइट में ही जो है वो दुश्मन को ख़त्म कर देगी। दे एक्सप्लोर अवर ए वाइड एरिया ऑन इम्पैक्ट बट ए सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन डू नॉट एंड एक्सप्लोर ओनली बींग हैंडल्ड और ट्रॉडन अपॉन। तो उनको जो है ना वो एक मतलब वाइड एरिया में एक्सप्लोर हो सकते हैं, फट सकते हैं अगर उनका इम्पैक्ट जो होगा, और बट ए सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन डू नॉट एंड एक्सप्लोर ओनली बींग हैंडल्ड, लेकिन कुछ पोर्शन को खुद हैंडल करना पड़ेगा। मोर देन 120 कंट्रीज इंक्लूडिंग मोस्ट नाटो मेंबर्स हैव साइन द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस दैट आउटलास्ट दिस वेपन्स ड्यू टू द थ्रेट कॉज्ड टू नॉन कॉम्बोटेंट्स। तो लगभग 120 कंट्रीज, उसमें नाटो भी शामिल है, उन्होंने एक कन्वेंशन को साइन किया है इन म्यूनिशंस के ऊपर जो कि आउटला करती है, मतलब इन हथियारों से दूर रहने की बात करती है जो कि काफ़ी डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। द यूएस हैज़ नॉट साइन द ट्रीटी, लेकिन यूएस ने उस ट्रीटी को साइन नहीं किया है और ना ही रशिया ने। एंड यूक्रेन विच हैव बोथ यूज्ड क्लस्टर म्यूनिशंस इन द वार, और यूक्रेन ने इन क्लस्टर्स को यूज भी किया है वार के अंदर। इन यूक्रेन वी आर 900 सिविलियंस आर एस्टिमेटेड किल्ड एंड अवर 6 मिलियन मेड रिफ्यूजीज, द क्वेश्चन ऑफ एडिशनल थ्रेट्स टू सिविलियन लाइफ मे सीम मूट। तो यूक्रेन यहाँ पे लगभग 9000 सिविलियंस जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है, और लगभग 6 मिलियन जो है ना वो रिफ्यूजीज़ बन गए हैं, मतलब वो दूसरी कंट्रीज़ के बॉर्डर्स में चले गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो सिविलियन लाइफ को
जो थ्रेट है ना वो मतलब काफ़ी मूट लग रहा है, काफ़ी मतलब ज़्यादा लग रहा है। बट दी यू एस वुड नॉट विश टू बी जज्ड बाई दी सेम एथिकल यार्डस्टिक एज़ यूक्रेन एंड रशिया। लेकिन यू एस जो है ना उसको, वो अपने आप को इस तरह से जज नहीं करना चाहता है जैसे यूक्रेन और रशिया को लोग जज कर रहे हैं। दैट वॉशिंगटन इज़ विलिंग टू टेक द रिस्क इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ बैडली द यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव इज़ फेयरिंग। तो यूक्रेन जो है ना वो काफ़ी विलिंग है, मतलब बहुत रिस्क लेना चाहता है, और ये रिफ्लेक्शन है, ये हमें बताता है कि हाउ बैडली, मतलब कैसे जो है ना वो यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव जो है वो काम कर रही है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल था, काफ़ी ईजी था, एक एक लाइन को मैंने पढ़ा लिया है। अब इसको जाके आप खुद से पढ़ लेना, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जय हिंद।